अच्छा क्या खाएंगे भाई? क्या बारबेक्यू? बारबेक्यू बारबेक्यू, वकार भाई ने ऐसे इशारा किया तो मतलब ये कि बारबेक्यू। अस्सलामुअलैकुम, व्हाट्स द स्टोरी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, फिट फाट हैं? अगर नहीं हैं तो अभी आप होने वाले हैं, क्योंकि ये है पीछे गफ्फार कबाब हाउस, अब्दुल गफ्फार कबाब हाउस। और सुना है कि दीज आर द मोस्ट डिलिशियस और अमेजिंग कबाब्स यू कैन फाइंड हियर इन कराची। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, जस्ट सो दैट वी कैन एक्सप्लोर मोर ऑफ दिस प्लेस। वकार भाई हमारे दोस्त आज फिर हमारे साथ हैं, कैसे हैं आप? जबरदस्त है, ठीक ठाक, वही कपड़ों में। कोई बात नहीं, इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये हम आ गए हैं कबाब की जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे सारा का सारा सेटअप लगा हुआ है। और कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं। तो सर आप यहाँ पे तकरीबन कितने साल से कर रहे हैं काम? 24 साल से यहाँ पे कर रहे हैं काम सर। तो भाई ये टिक्के यहाँ बन रहे हैं, कबाब यहाँ पे बन रहे हैं, ये सीन ऑन है बिल्कुल। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। अच्छा भाई, सीन ये है कि आप इसके साथ खा सकते हैं पूरी पराठा, या यू कैन ऑर्डर नान, यू कैन ऑर्डर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, यू नो, लाइक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। ये पीछे देखें बन रहे हैं, अंदर बहुत ही बिजी चल रहा है, ये रात का टाइम है, लेकिन इवन देन बहुत अच्छा। भाई अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं कुछ ऑर्डर करने, क्योंकि वकार भाई को मैंने कहा है कि यार बहुत भूख लग रही है, बातों से नहीं होने वाला चक्कर। सर ये क्या चीज़ है? निहारी बन रही है, निहारी बन रही है, और बहुत ही टेस्टी किस्म की निहारी बन रही है यार, ट्राई करनी चाहिए। अच्छा क्या खाएंगे भाई? क्या बारबेक्यू? बारबेक्यू, बारबेक्यू, वकार भाई ने ऐसे इशारा किया तो मतलब ये कि बारबेक्यू। हम लोग मक्खन में फ्राई करते हैं। अच्छा, फ्राई कबाब हो जाता है कि मैटर। अच्छा, और चिकन में मलाई बोटी है। अच्छा, धागा कबाब, मलाई बोटी और चिकन बिहारी। तो भाई बहुत ही भूख लगी। सीन ये है कि हम लोगों ने खा लिया खाना, और भाई ने कहा है कि यहाँ की खीर बहुत अच्छी है। भाई खीर खानी चाहिए हमें, कहते हैं इसके बाद स्वीट बहुत ज़रूरी है। वाह वाह वाह, ज़ाफ़रानी खीर और स्पेशल खीर भाई ने कहा है, तो अब खाना तो पड़ेगा। अच्छा तुम्हें बताएं, ये जो कबाब और ये बाकी चीज़ों में कोई सीक्रेट, कोई ख़ास रेसिपी जाती है जो कि किसी को नहीं पता, या सीक्रेट? चलो मैं इस कैमरे की कोशिश करूंगा कि मैं इनसे पूछूं। कब से चल रहा है ये? इसको 1958 से हमारा ये मेरे दादा ने जो इसको शुरू किया था, एक छोटे से स्टॉल पे इसको शुरू किया था इसको, और वो उस हमारा वो मेन जो जगह है वो एक टेक अवे डिपार्टमेंट है जो जब से है आज तक। अच्छा जी, 1958 से शुरू हुआ था, और ये एक स्टॉल से दादा का नाम शेख अब्दुल गफ्फार कबाब हाउस। अच्छा, तो इसके अलावा आप खाली कराची में या कराची से बाहर भी किसी जगह? कराची में ही अभी फिलहाल हम। तो प्लान है कि स्पोर्ट ग्राउंड पे? अच्छा, स्पोर्ट ग्राउंड पे हमारी सेकंड ब्रांच है, और वहाँ का जो इस तरह का प्लेयर एम्बियंस जो है वहाँ का, वो यहाँ से ज़्यादा अच्छा। ये थोड़ा सा देसी स्टाइल है, थोड़ा सा पुरानी जगह पे है और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने इसी एम्बियंस को थोड़ा सा कंटिन्यू रखा है, इसी एम्बियंस को हमने थोड़ा सा स्टे रखा है। वहाँ अगर आप जाएंगे, अगर आपको फैमिलीज को लेके जाना है और थोड़ा सा आपको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, तो वहाँ पे आपको खाने के साथ साथ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए भाई, बात ये सारी की सारी है कि बिज़नेस यहाँ से होता है, ठीक है,
इनको पता है कि यहाँ का कस्टमर कौन सा है, वहाँ का कस्टमर कौन सा है, हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर बेचनी है, कैसे बेचनी है. खाली प्रोडक्ट नहीं होती, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक्स और आपकी मार्केट की डिमांड क्या है. आप हमारी न्यू जनरेशन के बिजनेसमैन हो एंड आई एम यू नो लाइक सो इम्प्रेस्ड कि आप जिस तरीके से कर रहे हो एंड यू आर एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी अदर पीपल. क्या आप एक छोटी सी चीज़ से भी बहुत आगे आप जा सकते हो, लगन हो, पैशन हो, डेडिकेशन हो, सिर्फ पैसे ही मकसद ना हो. और मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल लोगों को एक अच्छा मयारी खाना देंगे तो फिर लोग आपके पास आएंगे. जैसे हम बहुत दूर से यहाँ पे चल के आए, बहुत सारी और चीज़ें भी थी लेकिन हम क्यों यहाँ पे आए, क्योंकि इनका खाने के टेस्ट, क्वालिटी और हाइजीन बहुत अच्छी है. सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.